हे गाइज, वेलकम बैक टू तुषार ब्लॉग। आप सभी का तुषार ब्लॉग में स्वागत है। तो आज का हमारा प्रोग्राम है श्रीनगर के लोकल्स घूमने का। लाइक डल लेक तो हम लोगों ने कवर कर लिया है, तो हम लोग जाएंगे गार्डन वगैरह एंड शंकराचार्य एंड और देखते हैं यहाँ के लोकल मार्केट में क्या क्या है, तो वो हम लोग आज एक्सप्लोर करने वाले। तो आज का हमारा प्रोग्राम ये है एंड आप देख रहे हैं हमारे ब्लॉग नंबर 4। हम लोग आज कश्मीर में चौथे दिन है एंड हमारा लास्ट दिन है कश्मीर में आज। एंड आपसे मिलते हैं कुछ नई जगह के साथ, कुछ नए एक्सप्लोर करते हुए। तो आप हमारे वीडियो में बने रहिए, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सारे मंदिर आ गए हैं 250 सीढ़ी को टच करके एंड फाइनली पहुँच गया, फाइनली शंकराचार्य मंदिर। शंकराचार्य मंदिर आ गए। ये शंकराचार्य मंदिर का ये रहा ऊपर, वहां से भी ऊपर जाने, ये पूरा व्यू है। ये कुछ सीढ़ी है यहाँ से शंकराचार्य जाने के लिए। शंकराचार्य मंदिर का पीछे से व्यू देख सकते हो, कितना अच्छा रहा है। बैकग्राउंड आप देखो, बहुत ही सही है यहाँ से बैकग्राउंड। यहाँ से आपको पूरा श्रीनगर देखने को मिलता है एंड मैं शंकराचार्य मंदिर के जस्ट पीछे खड़ा हूँ एंड ये आप देख सकते हो कितना अच्छा व्यू है पीछे से। ये शंकराचार्य मंदिर है। पहले मैं आया था तो यहाँ पे फ़ोन्स अलाउड नहीं होते थे, पर अभी पिछले एक साल से यहाँ पर फ़ोन्स अलाउड कर दिए हैं, तो सही है, मैं वीडियो भी बना पा रहा हूँ उसकी वजह से। एंड ये कुछ व्यू है शंकराचार्य मंदिर से जो आप देख सकते हो। यहाँ पे कुछ लोग अपने फ़ोटो ले रहे हैं एंड ये पूरा मंदिर है यहाँ पे शंकराचार्य का। इस साइड से तो अभी पूरा फॉग हुआ है, आपको दिख नहीं रहा होगा, पर यहाँ से पूरा शहर आपको दिख रहा होगा। ये देखो, ये शंकराचार्य मंदिर के पास से व्यू एंड ये आप साइड व्यू देख सकते हो शंकराचार्य मंदिर का। मैं आपको फ्रंट से भी आपको दिखाता हूँ शंकराचार्य मंदिर का व्यू। तो आप ये देखो, साइड से कुछ ऐसा है। ये हो गया फ्रंट शंकराचार्य मंदिर का। तो आप देख सकते हो यहाँ से एंट्रेंस है, यहाँ से अंदर जाते हैं, अंदर आपको शिवलिंग दिखेंगे। ये है इनसाइड, आपको फोटोग्राफी नॉट अलाउड। चार से होते हुए सीधा मुगल गार्डन आए हैं एंड मुगल गार्डन का हम लोग व्यू ले रहे हैं। वैसे यहाँ पे तो अभी कुछ गार्डन में दिखेगा नहीं क्योंकि विंटर का समय चल रहा है। आपको गार्डन अच्छा दिखने को यहाँ पे समर में मिलता है। अब जब आप आओ जून जुलाई मार्च के सीजन में, बेसिकली जून जुलाई में जब आओ तब यहाँ पे आपको अच्छा मिलेगा। वैसे वैदा भी आप देख सकते हो सारा सूखा पड़ा है। बस एक एक्सपीरियंस के लिए देखना है कि मुगल गार्डन लगता कैसा है। मतलब मैं कभी ट्राई करूंगा जून जुलाई में आने का एंड मैं फिर वहाँ से ब्लॉग शूट करूंगा। ये मुगल गार्डन के दूसरे साइड आ चुके हैं, मैं आपको वहाँ पे दिखाता हूँ ये लोग पानी कैसे डालते हैं गार्डन के अंदर। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ देखा है, जैसे ये इनका ऐसा बना रहा था, ये डालने के लिए लोग बनाए हुए हैं। पानी डालना हो तो यहाँ से वो लोग डालते हैं, ऑन करते होंगे कहीं से, वहाँ से जाता है। तो बहुत ही अच्छा सिस्टम भी है इनका एंड इससे होता है गार्डन भी अच्छा हरा भरा रहता है। और मैं अभी आपको ऊपर जाके भी दिखाता हूँ, ऊपर भी कुछ बहुत सारे थे जो मैं भी नहीं गया हूँ। अभी मैं जाता हूँ, फिर मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ। ऊपर से मुगल गार्डन का कुछ पॉइंट भी हुई है, ऊपर ये बना सा है कुछ है और आप ये देख सकते हो कुछ ऐसा लग रहा है। विदाउट फ्लावर भी बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ देखने में। आप देख सकते हो पहाड़ों से पानी होते हुए निकलते हैं एंड यहाँ से फॉल होते हुए सामने जाते हैं। तो ये वही है मुगल गार्डन पे आपको देखने में अभी भी पानी आ रहे हैं, ये पहाड़ों के बीचों बीच से होते हुए आते हैं, तो बहुत ही फ्रेश वाटर रहता है। तो यही है मुगल गार्डन का। ये मुगल गार्डन से सीधा निशान गार्डन आए हुए हैं, तो आप यहाँ का व्यू देख सकते हो कैसा व्यू है। ये मुगल गार्डन से तो फार बेटर है, बहुत सही है निशान गार्डन एंड आप देख सकते हो। मैं आपको बैक कैमरा से दिखाता हूँ कैसा व्यू आ रहा है। कुछ ये व्यू है निशान गार्डन का एंड आप देख सकते हो बहुत ही सही व्यू आ रहा है यहाँ से। ये देखो, ये निशांत गार्डन के बारे में यहाँ पे कुछ बताया गया है। बेसिकली निशांत गार्डन का जो कंस्ट्रक्शन हुआ था वो हुआ था 1634 AD में, जब शाहजहां ने इंडिया में रूल करना स्टार्ट किया था, तो उस समय पे ये आपका निशांत गार्डन बनवाया गया था। एंड मोर डिटेल्स के लिए आप ये ऊपर से नीचे पढ़ सकते हो। तो ये था प्रॉपर पूरा निशांत गार्डन के बारे में। चलते हैं कुछ नई डेस्टिनेशन की ओर। कालीन बनने का प्रोसेस आवाज में गीत संगीत रविंद्र चैन।
ये पूरा कालीन बन रहा है यहाँ पे हैंडमेड। मीना सॉल का है वो लुधियाना का जो विस्कास होता पश्मीना बोलते पश्मीना में ये इसमें कास्ट ऑफ लेबर आता है इसमें पश्मीना और कास्ट ऑफ मटेरियल है क्योंकि ये बहुत कास्ट ऑफ इसका 25,000 पर केजी है। ये नेचुरल कलर है इसका ये नेचुरल कलर है। दूसरा था ऑफ वाइट अगर ये बेस है ये पार्ट ऑफ लूम है इसका लेयर बनाता है। ये इसका यारन ये है ये 14 माइक्रॉन का रहता है इसलिए थिनर है ना इसमें बहुत टाइम लगता है वीव करने में। फिर एम्ब्रॉयडरी करते हैं तो कॉस्ट बढ़ता है। अगर आप स्टूल साइज में तो अराउंड 15 डेज अगर शॉल साइज में अराउंड 1 मंथ भी लगता है। ये पूरा रेडीमेड रेडी है यहाँ पे ये बन के रेडी है ये बनाने में कितने टाइम लगते हैं 4 मंथ। डल लेक को निहारने के लिए हम लोग आ चुके हैं। ये रहा डल लेक का कुछ व्यू। डल लेक में फ्रूट्स भी आ चुके हैं। ये कश्मीरी एप्पल है बिल्कुल सर कश्मीरी एप्पल। ये फ्रूट चाट का मजा लेते हुए डल लेक पे ये हमारा फ्रूट चाट आ गया। ये कावा भी आ गया है कबूतर खाना जो माजा हरी सिंह के ना उसकी प्रॉपर्टी है अपनी माजा हरी सिंह। ये राजा हरी सिंह की प्रॉपर्टी है जितने आपको देख लगा फैंसी लगाए पूरा बो लगाए ना हाँ उसका अंदर एरिया माजा हरी सिंह का। अच्छा जिसका बेटा भी थोड़ा करण सिंह करण सिंह कहता है चाय पीने के। अच्छा ये सारे आर्मी वाले को लीच पे दिया हुआ है। अंडे का गहराई कितना होगा 15 फुट 15 फीट यहाँ पर किनारे किनारे 6-7 फुट। ओके खीरा तरबूजा वो लगाते हैं समर में जाए होता है ना मतलब मई जून जुलाई में गर्मी का मौसम सूख जाता है क्या ये सब हाँ पानी सूख जाता है क्या ये फ्लोट होते रहता है ये पानी रहेगा। इस फ्लोटिंग गार्डन में लगाते क्या आप लोग ऐसे वाटरमेलन तरबूज ये है किसका आप ही लोगों का ये ना किसान हाँ हमारे है ना कि देखो घर है ना घर यहाँ पे ना घर वाले इनकी अपनी प्रॉपर्टी होती है। अच्छा वो घर जो है वो भी क्या वाटर के ऊपर ही है आइलैंड है। अच्छा आइलैंड है वो इसके पीछे में दरिया है वो हुआ बैक वाटर ये हुआ फ्रंट साइड। इसका पक्षी को क्या बोलते हैं जो जा रहा है डक है अनकोबली हाँ डक बोलते हैं। ऐसे आप लोग क्या बोलते हैं हम बोलते हैं टेच टेच कश्मीरी में कश्मीरी टेच बंगाली इसको बोलते हैं पनकोगड़ी हम बोलते हैं छोटा सा बर्ड। ये जो आइलैंड पे घर है उन लोग का मार्केट कहाँ पे है मार्केट तो नीचे है मीना बाजार मीना बाजार। तो ये लोग ये क्या पानी के थ्रू होके जाते हैं छोटी छोटी ना किश्ती होती है उसमें लोग जाते हैं पार बार। और यहाँ का बड़ा मार्केट है वो होता है लाल चौक जो यहाँ लेडीज लोग खरीदारी शॉपिंग करते हैं वो है। तो यहाँ के बच्चों को सिखा रहे चलाने आता है जी जी हर किसी को पहले बच्चों को तैरना सिखाते पहले तैरना सिखाते हैं जैसे बच्चे जाते हैं स्कूल खुद अपनी नाव लेके जाते हैं उधर रोड तक। अच्छा क्योंकि यहाँ पर रोड कनेक्ट नहीं है ना यहाँ पर यहाँ चारों तरफ पानी है चारों तरफ। कौन से एज में वो लोग सिकारा चलाने सीख जाते हैं इधर डल लेक में नहीं एज कौन सा होता है जब वो लोग सिकारा चलाते हैं 6-7 साल में। और कमल के बड़े बड़े पत्ते होती है लोटस लेक ये लोटस लेक हो गया लोटस लेक कमल के इसका होता है फूल होता है पिंक कलर का मगर वो होता है समर में विंटर के टाइम में इसका होता है फूल खिलता है पिंक कलर का और कमल के बड़े पत्ते होते हैं। एंड आपसे मिलते हैं कुछ नई जगह के साथ कुछ नए एक्सप्लोर करते हुए तो आप हमारे वीडियो में बने रहिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।